दोस्तों आज प्राथमिक शिक्षक संघ वोट का आगाज हो रहा है, वो वोटिंग हो रही है। दोस्तों देखते हैं दो पैनल हैं, इसमें कौन सा पैनल विजयी होता है। और ये प्राथमिक शिक्षक संघ उत्तर प्रदेश यहाँ अलीगढ़ ब्लॉक जमा में वोटिंग हो रही है, इंतजार की घड़ियाँ समाप्त हो रही हैं। अब देखते हैं रिजल्ट में कौन विजयी होता है। आज उत्तर प्रदेशी प्राथमिक शिक्षक संघ ब्लॉक इकाई जवा का त्रैवार्षिक चुनाव संपन्न हुआ। पूरा चुनाव बहुत ही पारदर्शिता पूर्वक संपन्न कराया गया, उसके बाद काउंटिंग हुई और जो परिणाम आए वो इस प्रकार हैं। आपको पता है अध्यक्ष पद के दो उम्मीदवार थे, ये डॉक्टर हरिंदर सिंह जी प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय टमकोली और श्री शकील बाबू सहायक अध्यापक UPS तालिब नगर, दो उम्मीदवार थे। तो जो कुल 602 मत पड़े और इनमें से डॉक्टर हरिंद्र कुमार सिंह को 412 मत प्राप्त हुए। वाह, बहुत कूल। और सकीम बाबू को 183 मत प्राप्त हुए और 7 मत निरस्त हुए। ठीक है, अब मंत्री पद के लिए दो प्रत्याशी थे, श्री मुगीसुर रहमान खां प्रधानाध्यापक UPS पोहना, श्री आनंद कुमार मौर सहायक अध्यापक UPS भीमगढ़ी, ये दो प्रत्याशी थे। तो श्री मुगीसुर रहमान को 395 मत प्राप्त हुए। वेरी गुड, बहुत खूब। और श्री आनंद कुमार मौर्य को 200 मत प्राप्त हुए, बहुत खूब। और निरस्त मत 7 मत निरस्त हुए। और इसमें नोटा भी, ठीक है, हाँ निरस्त हुए, नोटा निरस्त एक ही बात है। इस प्रकार से ब्लॉक अध्यक्ष के पद पर डॉक्टरों से अध्यक्ष पद पर और मुगीसुर रहमान को 195 मतों से विजयी घोषित किया जाता है। बहुत मेरी घोषणा हो रहा है, जो प्रदेश से है, ये संघर्ष का समय चल रहा है, तो वहां से निर्देश हैं कि जो जिनके मत कम रह जाते हैं वो एक संघर्ष समिति का गठन होगा। मेरा डाक साहब से मुगीस भाई से अनुरोध है कि उसमें शकील बाबू को संघर्ष समिति में अध्यक्ष रखें और आनंद मौर्य जी को उसका, सभी एक साथ रहेंगे, कोई सेल्फी नहीं डालेगा, इस बात का ध्यान रखें। हमारे जो शिक्षक साथी हैं कुछ लोग सेल्फी डाल रहे हैं, वो बिल्कुल गलत है। हमारा इसका विरोध करते हैं, गई सेल्फी बिल्कुल नहीं डालेंगे। अरे जवाब में तो फिक्री मत करो, जिला नेतृत्व का मेरी ओर से बहुत बहुत आभार, जिले की पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद, जिलाध्यक्ष महोदय को, जिला महामंत्री महोदय को, अरे लो मेरी ओर से सबको बहुत बहुत धन्यवाद। तीनों